पिछले लेक्चर में कुछ डिस्कस किया था और इनशाला आज एक नया टॉपिक शुरू करेंगे एनालिसिस ऑफ सिक्वेंशल स्टेट मशीन्स सो तो इससे पहले कि आज के जो लेक्चर है उसके नए टॉपिक्स डिस्कस करें आइए पुरानी बातें जो हैं वो रिव्यू कर लेते हैं रिव्यू में मैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लूँगा क्योंकि आज जैसे है हमने डिस्कस करना है ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर तो वो थोड़ा सा उसको ज़रा हम रिकॉल कर लें और उससे आगे चलेंगे लास्ट लेक्चर में हमने बात शुरू की थी एलिवेटर कंट्रोलर से उससे पहले लेक्चर में हमने कुछ डिस्कस किया था उसके बाद हमने जो था इम्प्लीमेंटेशन पे आए थे तो हमने ये कहा था कि जो इनिशियल इनपुट पे पांच लैचेस हैं जो पांच बटन के इनपुट को सपोर्ट करती हैं स्टोर करती हैं हम पांच लैचेस को रिप्लेस कर सकते हैं बाय टू लैचेस सो टू लैचेस जो हैं बेसिकली एस आर वन लैच है जो कि ओपन फ्लोर वन और रिक्वेस्ट बटन जब भी प्रेस हो उनको स्टोर करते आउटपुट वन हो जाएगा अब हमने ये कंडीशंस डिफाइन किए थे कि एस आर वन लैच जो है किन कंडीशंस पे आउटपुट अपना वन करेगी हमने ये कहा था रिक्वेस्ट वन जो बटन है जब भी प्रेस करें लेफ्ट जो है पहले फ्लोर पे हो सेकंड फ्लोर पे हो एस आर वन का आउटपुट वन हो जाएगा इसी तरह ओपन जो बटन है वो अगर फ्लोर वन पे प्रेस हो तब एस आर वन का आउटपुट वन हो जाना चाहिए और जो तीसरा इनपुट था बेसिकली फ्लोर वन फ्लोर वन हम ये कह रहे थे कि अगर सेकेंड फ्लोर पे प्रेस हो तब एस आर वन का आउटपुट वन होना चाहिए अगर फ्लोर वन पे प्रेस करें तो उसको डिस्कार्ट कर दें जो तो टेबल हमने बेसिकली स्टेट टेबल बनाया था उसी से अगर आप देखें तो डायरेक्शन इनपुट को हम यूज़ कर रहे हैं टू डिटर्मिन के जो लिफ्ट है फर्स्ट फ्लोर पे या सेकेंड फ्लोर पे है सो डायरेक्शन इनपुट को हम अप्लाई कर रहे हैं एस आर वन फ्लिप फ्लॉप के रैदर uh, लैच के इनपुट पर इस तरह जो एस आर टू लैच है वो बेसिकली तीन बटन्स को स्टोर कर रहा है सो ओपन बटन अगर प्रेस होता है सेकेंड फ्लोर पे एस आर टू लैच का आउटपुट जो है वो वन हो जाएगा इसी तरह फ्लोर टू बटन जो है पहले फ्लोर पे अगर प्रेस होता है एस आर टू लैच का आउटपुट वन हो जाएगा और रिक्वेस्ट टू बटन अगर प्रेस होता है तो अगेन एस आर टू लैच का आउटपुट वन हो जाएगा अब हमारे पास दो लैच आ गई एस आर वन एंड एस आर टू और एक तीसरा इनपुट है जो हमने पहले कंसिडर नहीं किया था जो कि अराइव इनपुट है जो हमने कहा था कि सेंसर से हमें मिल रहा है अब जो हमने एक सिक्वेंशल सर्किट बनाना है जो स्टेट मशीन बनानी है जो कि इस एलिवेटर को कंट्रोल करेगा उसके पास तीन इनपुट्स आ रहे हैं एस आर वन का एस आर टू का और अराइव का सो so बेसिकली हमने एक रिफाइंड ब्लॉक डायग्राम भी देखा था सो so, अब जो नया स्टेट टेबल बनेगा मॉडिफाइड स्टेट टेबल बेसिकली उनमें ये तीन इनपुट्स होंगे एस आर वन एस आर टू एंड अराइव हमने एक स्टेट डायग्राम बेसिकली बनाना है स्टेट डायग्राम हमने दिखाया नहीं था बेसिकली हमने डायरेक्ट एबल फाइल इम्प्लीमेंटेशन पे चले गए थे तो उसमें हमने स्टेट डायग्राम जो था एज इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट्स लिखा था सो बेसिकली एबल इनपुट फाइल में अगर आपने एलिवेटर कंट्रोलर इंप्लीमेंट करना है तो अगेन वही आपने स्टैंडर्ड चीज़ें करनी है अपने पेंस डिस्क्राइब करनी है फिर आपने स्टेट डायग्राम के थ्रू जो है सिक्वेंशल सर्किट जो है कंट्रोलर सर्किट है उसको डिफ़ाइन करना है तो इससे पहले कि आप स्टेट डायग्राम से डिफाइन करें अपने स्टेट्स डिफाइन करनी है फिर स्टेट डायग्राम की स्टेटमेंट्स होंगी और बेसिकली ये कंप्लीट हो जाएगा काम Uh, जो हमने इन जो पिन डेफिनेशन थी या डेकोरेशन थी उनमें ऑफ कोर्स जो इनपुट पेंस हैं रिक्वेस्ट वन हो गई फ्लोर वन ओपन रिक्वेस्ट टू फ्लोर टू ये सारे डिस्क्राइब की थी आउटपुट में थोड़ा सा चेंज था आउटपुट में जैसे आपकी आप, आपको याद हो डोर आउटपुट था एक डायरेक्शन आउटपुट था और एक मोशन आउटपुट था तो ये तीन आउटपुट जो है ये बेसिकली जो ऑलमैक हैं जो डी फ्लिप फ्लॉप ऑलमैक मॉड्यूल्स में लगे हुए हैं उनके आउटपुट से हमें मिल रहा है सो so, हमने इनको बताया था या उसमें असाइनमेंट में ये डिक्लेयर किया था कि ये रजिस्टर्ड आउटपुट हैं एस आर वन लैच जो है एस आर टू लैच जो है बेसिकली हमने ये कहा था कि इसमें क्लॉक इनपुट नहीं है तो ये हम इम्प्लीमेंट करेंगे जो एंड और अरे है उस गैल डिवाइस की उसको यूज़ करते हुए सो एस आर वन आउटपुट और उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट है वो दोनों हमें चाहिए इसी तरह एस आर टू लैच जो है उसका आउटपुट और उसका कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट जो है वो भी हमें चाहिए सो so, बेसिकली वो हमें कहाँ चाहिए गैल के आउटपुट पर चाहिए तो हमने इसलिए उनको डिफाइन किया हुआ एज ए कंडीशनल सर्किट आउटपुट अब ये जो इनपुट्स हैं ये वापस हमने फीडबैक करने हैं जैसा कि अगर आपको याद हो जो हमने लैच बनाई थी एस आर वन एस आर टू उसके इनपुट पे जो था सेट uh, इंफॉर्मेशन आ रही थी और जिस तरह रीसेट के इनपुट पे जो सेट का इनपुट था उस पर रीसेट की इन्फॉर्मेशन आ रही थी इसके बाद हमने स्टेट डायग्राम को स्टेटमेंट की शक्ल में डिस्क्राइब करना था तो पहले हमने स्टेट्स डिफाइन की थी तो इसकी छः स्टेट्स थी तो छः स्टेट्स हमने डिफ़ाइन कर दी थी उसके बाद हमने स्टेट डायग्राम की स्टेटमेंट्स लिखी थी उनमें हमने इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट्स यूज़ की थी इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट जैसे थी हमने बताया था कि अगर आप इनिशियल स्टेट पर हैं नेक्स्ट स्टेट पर आपने स्विच करना है आपने कंडीशन चेक करना है अगर कंडीशन ट्रू है तो आप एक स्टेट पर स्विच कर जाएंगे अगर कंडीशन फॉल्स है तो आप किसी और स्टेट पर स्विच कर जाएंगे स्टेट डायग्राम के बाद हमने कुछ इक्वेशंस डिफाइन करनी थी बेसिकली इक्वेशंस जो थी एस आर लैच एस आर वन लैच और एस आर टू लैच जो है वो हमने जैसे बताया कि हमने जो ऑलमैक में डी फ्लिप फ्लॉप्स हैं उनकी मदद से इम्प्लीमेंट नहीं किया एंड और जो अरे है उसकी मदद से हमने इंप्लीमेंट किया सो एस आर वन लैच कैसे असें्प्लमेंट होगी उसके क्या इनपुट्स होंगे इसी तरह एस आर टू लैच कैसे असेंप्समेंट होगी उसके क्या इनपुट्स होंगे उनकी हमने इक्वेशंस डिफाइन की थी सो so, बेसिकली चार इक्वेशंस बन रही थी एस आर वन आउटपुट के लिए एस आर वन जो बार है कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट उसका के लिए इसी तरह एस आउटपुट और एस आउटपुट के लिए चार इक्वेजन हमारे पास आ रही थी इक्वेशंस में हमने एक फीडबैक का स्टेटमेंट लिखी थी फीडबैक से मुराद ये थी कि जो हमारे पास डोर आउटपुट है और जो डायरेक्शन आउटपुट है और जो मोशन आउटपुट है जो कि रजिस्टर्ड आउटपुट है वो हमने वापस फीडबैक करना है और जो लैचेस हैं उनके इनपुट पे कनेक्ट करना है सो so, ये जो एफ बी स्टेटमेंट है फीडबैक की ये हम गैल डिवाइस को प्रोग्राम कर रहे हैं कि ये थ्री जो आउटपुट्स थी डोर मोशन एंड डायरेक्शन इनको एज फीडबैक हमने कनेक्ट करना है नेक्स्ट एग्जांपल जो हमने देखी थी ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर की थी ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर बेसिकली हम ये कह रहे थे कि हमारे पास चुराहा है चार सड़कें आ रही हैं सो एक नॉर्थ साउथ सेक्शन है और ईस्ट वेस्ट सेक्शन है उसमें एक ट्रैफिक लाइट लगी हुई जो कि कंट्रोल हो रही है थ्रू uh, सेंसर्स और एक टाइमर हम ये कह रहे हैं कि दिन को जब ट्रैफिक हैवी है तो हम पाँच मिनट का साइकिल टाइम दे रहे हैं दैट मीन्स ग्रीन जो लाइट है वो फाइव मिनट्स के लिए ऑन होगी इसी तरह रेड लाइट जो है वो फाइव मिनट्स के लिए ऑन होगी जो सेंसर्स हैं जो हमने रोड में एम्बेड किए हुए हैं जो हमें बता रहे हैं कि एक गाड़ी मौजूद है या एक गाड़ी उस जगह पे अराइव हुई है कि नहीं उनको हम यूज़ नहीं कर रहे डे टाइम में क्योंकि ट्रैफिक इतनी हैवी है कि हम सिंपली जो है पाँच मिनट के बाद उसको साइकिल कर रहे हैं सो so बेसिकली जो सिक्वेंशल सर्किट है जो ट्रैफिक लाइट सिग्नल को कंट्रोल कर रहा है उसका एक इनपुट जो है वो टाइमर से आ रहा है और वो पाँच मिनट के बाद ये जो टाइमर इनपुट है वो एक्टिव हो जाएगा तो ये इंडिकेट करेगा कि पाँच मिनट हो गए सो आपको अब जो स्टेट है वो स्विच करनी है लेट्स से ग्रीन से आपने येलो पे चला जाना है नाइट टाइम में हमने ये कहा था कि ट्रैफिक क्योंकि लाइट है कुछ गाड़ियाँ उस इंटरसेक्शन पे आ रही हैं और जा रही हैं उसमें तो हमने पाँच मिनट का वक़ा नहीं देना हम एक मिनट का इंटरवल दे रहे हैं सो so, एक मिनट के लिए ग्रीन लाइट ऑन होगी फिर एक मिनट के लिए रेड लाइट ऑन होगी और इस तरह ये साइकिल करता रहेगा नाइट टाइम में हमने ये कहा था कि एक मिनट का जो इंटरवल है इसके साथ हम जो सेंसर के आउटपुट्स हैं उनको भी यूज़ कर रहे हैं सो so, हमने चार सेंसर्स डिस्क्राइब किए थे नॉर्थ साउथ सेक्शन के जो दो सड़कें हैं उन पे दो दो सेंसर्स लगे हुए हैं इसी तरह ईस्ट वेस्ट सेक्शन पे दो दो सेंसर्स लगे हुए हैं तो नॉथ साउथ सेक्शन पे जितने भी सेंसर्स हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं और इन पे कोई भी गाड़ी आए या इनके ऊपर से गुजरे ये सेंसर जो हैं एक्टिव हो जाएंगे एक सिग्नल भेजेंगे इंडिकेटिंग दैट देर इज़ ए कार ऑन दी नॉर्थ साउथ सेक्शन इसी तरह ईस्ट वेस्ट सेक्शन में जो सेंसर्स लगे हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं और इन पे से कोई गाड़ी गुजरे या इन पर रुके सेंसर आउटपुट एक्टिव हो जाएगा ये सिर्फ बताएँगे कि ईस्ट वेस्ट सेक्शन पर गाड़ी मौजूद है बात करते हैं कि अब कितने किस्म के इनपुट्स थे बेसिकली हमने डे टाइम के लिए हमने बताया कि टाइमर का एक आउटपुट आ रहा है जो एज इनपुट इस्तेमाल करें इस सिक्वेंशल सर्किट में जो कि फाइव मिनट मिनट के बाद हाई हो रहा है नाइट टाइम में एक मिनट का इंटरवल चाहिए तो अगेन टाइमर से एक और सिग्नल आएगा जिसको हम शॉर्ट टाइम सिग्नल कहेंगे वो भी एज इनपुट इस्तेमाल होगा इस सिक्वेंशल सर्किट में सो so, जो ही ये सिग्नल एक्टिव हो जाएगा दैट मीन्स एक मिनट पूरा हो गया सो so, हम ग्रीन से रेड पे शिफ्ट कर लेंगे से जो आउटपुट आ रहे हैं एक नॉर्थ से नॉर्थ साउथ सेंसर से एक आउटपुट आएगा और एक ईस्ट वेस्ट सेंसर से आउटपुट आएगा ये दोनों आउटपुट्स जो हैं एज इनपुट सिग्नल्स कनेक्ट किए गए सिक्वेंशल सर्किट में नाइट टाइम में हम ये कह रहे हैं कि लेट्स से एक नॉर्थ साउथ सेक्शन की जो लाइट है वो ग्रीन है और ईस्ट वेस्ट की लाइट जो है वो रेड है अब चार पॉसिबिलिटीज़ हैं दोनों सेक्शंस में नॉर्थ साउथ सेक्शन और ईस्ट वेस्ट सेक्शन में कोई गाड़ी नहीं आ रही फिर क्या होगा या दोनों जो क्रॉस रोड्स हैं दोनों पे गाड़ियाँ आ रही हैं फिर क्या होगा नॉर्थ साउथ सेक्शन पे गाड़ी आ रही है ईस्ट वेस्ट पे, पे नहीं आ रही या ईस्ट वेस्ट पे आ रही है नॉर्थ साउथ पे नहीं आ रही तो ये चार डिफरेंट कंडीशंस हैं हमने ये डिटरमिन करना था कि इन चार कंडीशंस में हमने किस स्टेट पे स्विच करना है तो वो हमने एक स्टेट डायग्राम देखा था जो कि हमें अलाउ कर रहा है ग्रीन स्टेट से नॉर्थ साउथ ग्रीन स्टेट से नॉर्थ साउथ येलो स्टेट पर तो उसमें हमने कंडीशन चेक किए थे एक हमने फ्लो चार्ट चार्टसी बनाई थी वो देखा था जनरल जो स्टेट डायग्राम है जो इस ट्रैफिक कंट्रोलर को डिस्क्राइब करता है कि ये किन किन स्टेट्स में जाएगा हमने बताया था कि आठ स्टेट्स हैं सो इनिशियल स्टेट जो है हम कह रहे थे कि नॉर्थ साउथ ग्रीन जो स्टेट है ग्रीन लाइट ऑन है ईस्ट वेस्ट की जो है रेड लाइट वो ऑन होगी सेकेंड जो स्टेट थी वो थी नॉर्थ साउथ येलो स्टेट नॉर्थ साउथ येलो स्टेट में येलो लाइट ऑफकोर्स ऑन होगी और ईस्ट वेस्ट सेक्शन की रेड लाइट ऑन रहेगी नॉर्थ साउथ येलो स्टेट से हम नॉर्थ साउथ येलो टू स्टेट पे जा रहे हैं बेसिकली ऑटोमेटिक है कोई एक्सटर्नल कंडीशन पे डिपेंड नहीं करेगा जो ही क्लॉक पल्स आई हम स्विच कर जाएंगे नॉर्थ साउथ येलो स्टेट से नॉर्थ साउथ येलो टू स्टेट पे इन दोनों स्टेट्स का रखने का मकसद क्या था हम ये कह रहे थे कि हमने जो टाइमर का हमारे पास इनपुट आ रहा है जो हमें बता रहा है कि जी फाइव मिनट्स पूरे हो गए या वन मिनट पूरा हो गया टाइमर को रीसेट भी करना है ताकि जब रेड स्टेट uh, में जाएँ तो रेड स्टेट भी ऑन रहे फाइव सेकेंड्स के लिए फाइव मिनट्स के लिए या वन मिनट के लिए तो टाइमर जो है नॉर्थ साउथ येलो टू स्टेट पे हम रीसेट कर रहे हैं नॉर्थ साउथ येलो टू स्टेट से हम अगेन स्विच कर रहे हैं नॉर्थ साउथ रेड स्टेट पे। सो so, ये एक पूरा नॉर्थ साउथ सेक्शन का एक पूरा साइकिल कंप्लीट हो रहा है इसी तरह से अगर ईस्ट वेस्ट सेक्शन को देखें तो हमारे पास चार स्टेट्स हैं ईस्ट वेस्ट ग्रीन स्टेट है ईस्ट वेस्ट येलो स्टेट है ईस्ट वेस्ट येलो टू स्टेट है और ईस्ट वेस्ट रेड स्टेट है ये पूरी आठ स्टेट्स हमारे पास बन रही हैं ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब करके हमने बात की थी कि एबल जो इनपुट फाइल है जिसको हमने यूज़ करना है इस पी डिवाइस को प्रोग्राम करने के लिए तो उसमें हमने क्या करना है बेसिकली अगेन वही जो है पेन डिस्क्राइब्स करना डिस्क्राइब कर, करनी है कि कौन से इनपुट पिन हैं कौन से आउटपुट पिन हैं इनपुट पेंस तो काफ़ी क्लियर हैं आउटपुट पिन में हमने बेसिकली तीन आउटपुट्स रहता चार आउटपुट्स यूज़ किए थे Q0, Q1, Q2 और ये हमने एक्टिव लो शो किए थे बेसिकली Q0, Q1, Q2 जो है वो स्टेट आउटपुट वेरिएबल्स हैं स्टेट वेरिएबल्स जो हैं आठ स्टेट्स हैं तो हमें तीन स्टेट वेरिएबल्स चाहिए सो so, ये तीन uh, जो आउटपुट्स हैं ये हर स्टेट को रिप्रजेंट कर रहे हैं हमने एक और गैल डिवाइस आगे इसके साथ कनेक्ट करेंगे जो इन स्टेट्स को डी करेगा और प्रॉपर जो लाइट्स हैं ट्रैफिक जो लाइट जो सिग्नल है उसको ऑन या ऑफ करेगा जो चौथा आउटपुट है वो बेसिकली टाइमर रीसेट है सो टाइमर रीसेट जो है वो एक कॉम्बिनेशनल सर्किट की मदद से हम जनरेट कर रहे हैं तो इसको जो हमने डिफ़ाइन किया हुआ है कॉम्बीशनल सर्किट के तौर पे डिफाइन किया हुआ है और ये भी इन्वर्टेड आउटपुट है और ये आउटपुट जो है टाइमर के इनपुट के साथ कनेक्ट होगा इसके बाद हमने स्टेट डायग्राम डिस्क्राइब करना है इन दिस फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट्स इससे पहले हमने जो आठ स्टेट्स हैं वो डिस्क्राइब की थी डिफ़ाइन की थी और हमने कोशिश की थी कि जब हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे स्विच कर रहे हैं तो मिनिमम नंबर ऑफ वन चेंजेस हो तो अगर आप उसमें गौर करें जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर स्विच कर रहे हैं तो सिर्फ एक बेट चेंज हो रही है स्टेट डायग्राम हमने कैसे डिफाइन किया था बेसिकली जो नॉर्थ साउथ ग्रीन स्टेट से नॉर्थ साउथ येलो स्टेट पे चेंज हो रहे हैं तो वो कंडीशनल चेंज है कुछ इनपुट कंडीशन हैं जिनको हमने चेक करना है उसके बाद हम चेंज करेंगे तो उस केस के लिए नॉर्थ साउथ ग्रीन स्टेट के लिए हमने इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट्स यूज की थी उसके बाद वाली जो स्टेट्स हैं उसमें हम अनकंडीशनल चेंज कर रहे हैं जो एक क्लॉक पल्स आई हम नॉर्थ साउथ येलो से नॉर्थ साउथ येलो टू पे चेंज कर रहे हैं तो उधर हमने सिंपली गो टू स्टेटमेंट्स यूज की थी तो ये तो हो गया पेन डिस्क्रिप्शन और स्टेट डायग्राम की स्टेटमेंट्स आज हम नेक्स्ट जो बात करेंगे बेसिकली कुछ इक्वेशंस हमने डिफाइन करनी है वो इक्वेशंस कौन सी डिफाइन करनी है इक्वेशन जो है एक ही बेसिकली हमारे पास इक्वेशन बन रही है जो कि है टाइमर रीसेट की टाइमर रीसेट कब होगा हम ये कह रहे हैं कि जब हमारा कंट्रोलर जो है नॉर्थ साउथ येलो टू स्टेट में पहुंचा है तो टाइमर जो है रीसेट हो जाना चाहिए क्योंकि इसके फ़ौर बाद नॉर्थ साउथ रेड स्टेट एक्टिव हो जाएगी उसको हमने एक्टिव रखना है फाइव मिनट्स के लिए इसी तरह नाइट टाइम में जब वन मिनट एक्सपायर हो जाता है वन मिनट जो इंटरवल है जो हम टाइमर से डिटरमिन uh, कर रहे हैं वो ख़त्म हो जाता है तो हमने टाइमर को रीसेट कर देना है वो कब होगा अगेन नॉर्थ साउथ येलो टू स्टेट में रीसेट होगा सो अगेन इक्वेशन डिफाइन करनी पड़ेगी दूसरा जो कंडीशन है जब टाइमर रीसेट कर रहे हैं वो है ईस्ट वेस्ट येलो टू स्टेट ईस्ट वेस्ट येलो टू स्टेट में जो टाइमर है उसको रीसेट करना है और जो लॉन्ग टाइम आउटपुट है और जो शॉर्ट टाइम आउटपुट है दोनों रीसेट हो जाएंगे आइए देखते हैं कि ये इक्वेशन किस तरह हमने लिखनी है डायग्राम में इक्वेशन दिखाई गई है जो कि टाइमर रीसेट को डिटर्मिन कर रही है टाइमर रीसेट जो है वो आउटपुट वेरिएबल है जो कि टाइमर को रीसेट करता है इसको हमने असाइन किया है टी आर स्टेट इक्वल्स टू रिलेशन ऑपरेटर लगाया हुआ है नॉर्थ साउथ येलो टू सो दैट मीन्स अगर स्टेट जो है नॉर्थ साउथ येलो टू है तब टाइमर रीसेट जो है वो वन हो जाना चाहिए इसके बाद हमने और किया हुआ है और अगेन टी आर स्टेट इज इक्वल टू ईस्ट वेस्ट येलो टू सो इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू होगा टाइमर रीसेट जो आउटपुट है वो वन हो जाएगा जिसकी वजह से हम टाइमर को रीसेट कर पाएंगे इससे ऊपर जो स्टेटमेंट लिखी हुई है टी आर स्टेट डॉट क्लॉक इज इक्वल टू क्लॉक वो सिंपली हमें बता रही है कि जो तीन डी फ्लिप फलॉप्स हैं ऑलमैक में जो कि स्टेट को डिटर्मिन कर रहे हैं वो ऑफ क्लॉकड फ्लिप फलॉप्स हैं क्लॉक पे नेक्स्ट स्टेट पर स्विच होंगे अभी हमने इक्वेशन देखी जो कि टाइमर री है उसको डिफाइन कर रही है अब हमने आ, जो एक्चुअल सर्किट है उसको देखना है हमने शुरू में बात की थी कि जो एक्चुअल सर्किट है इट इज़ बेस्ड ऑन टू गैल डिवाइसेस एक गैल डिवाइस जो है उस कंट्रोलर जो सिक्वेंशल स्टेट मशीन हमने डिस्क्राइब की ट्रैफिक कंट्रोलर है उसको इंप्लीमेंट कर रहा है उसके आउटपुट्स जो हैं वो हैं चार Q0, Q1, Q2 और टाइमर रीसेट टाइमर रीसेट ऑफ कोर्स टाइमर को रीसेट कर रहा है क्यू जीरो वन क्यू आउटपुट्स हैं वो हर स्टेट को डिटरमिन कर रहे हैं बेसिकली इस टाइम जो ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर है इसने जो उस इंटरसेक्शन पे ट्रैफिक लाइट्स लगी हुई ग्रीन येलो रेड उनको ऑन ऑफ करना है अप्रोप्रिएट स्टेट्स uh, पे वो कैसे ऑन ऑफ होंगी बेसिकली हमने एक कॉम्बिनेशन सर्किट बनाना है जिसके इनपुट्स जो हैं ये स्टेट वेरिएबल्स हैं क्यू जीरो क्यू वन क्यू टू और उसके जो आउटपुट्स हैं वो हमारे पास छः आउटपुट्स होने चाहिए तीन आउटपुट्स जो हैं वो नॉर्थ साउथ रोड सेक्शन के लिए हैं सो so, एक आउटपुट उनमें से ग्रीन लाइट को ऑन ऑफ करेगा दूसरा आउटपुट जो है येलो लाइट को ऑन ऑफ़ करेगा और तीसरा जो आउटपुट है वो रेड लाइट को ऑन ऑफ करेगा इसी तरह ईस्ट वेस्ट सेक्शन के लिए हमें तीन मजीद आउटपुट्स चाहिए एक आउटपुट जो है वो ग्रीन लाइट को ऑन ऑफ़ करेगा दूसरा येलो को और तीसरा रेड को सो so, आइए देखते हैं कि सर्किट कैसे बना हुआ है दो गैल डिवाइसेस आपस में कैसे जुड़े हुए हैं और फिर आगे मज़ीद इस पर डिस्कशन करते हैं डायग्राम में ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर का सर्किट डायग्राम दिखाया गया दो गैल 16V8 डिवाइसेस यूज की गई हैं लेफ्ट साइड पे जो गैल 16V8 डिवाइस है उसके हमने कुछ इनपुट्स दिखाए गए हैं एक इनपुट जो है एन एस एस आर है जो नॉर्थ साउथ सेंसर से आ रहा है दूसरा जो इनपुट है ईस्ट वेस्ट एस आर है जो ईस्ट वेस्ट सेंसर से आ रहा है सो ये दोनों इनपुट के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं बाई दी गैल डिवाइस दो मज़ीद जो इनपुट्स हैं एल टाइम एंड एस टाइम एल टाइम जो है लॉन्ग टाइम एस टाइम जो है शॉर्ट टाइम लॉन्ग टाइम जो है हम डे टाइम में यूज़ कर रहे हैं और शॉर्ट टाइम जो है वो हम नाइट टाइम में यूज़ कर रहे हैं ये दोनों जो हैं आउटपुट्स हैं एक टाइमर के और टाइमर के ये आउटपुट एज इनपुट इस्तेमाल हो रहे हैं टाइमर का जो इनपुट है वो क्लॉक से डिटरमिन होता है और यही क्लॉक जो है गैल डिवाइस के साथ कनेक्टेड है सो so ये क्लॉक जो है स्विच करेगी गैल डिवाइस को एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे गैल के आउटपुट पे तीन सिग्नल्स नजर आ रहे हैं क्यू जीरो बार क्यू वन बार क्यू टू बार ये तीनों जो हैं स्टेट वेरिएबल्स हैं और आठ स्टेट में से किसी एक स्टेट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं एक और जो आउटपुट सिग्नल है वो है टाइम रीसेट टीएमआर एस टी जैसे कि हमने पहले डिस्क्राइब किया नॉर्थ साउथ येलो टू स्टेट या ईस्ट वेस्ट येलो टू स्टेट पे ये टाइमर रीसेट जो सिग्नल है ये एक्टिव हो जाएगा और ये हमने शुरू में डिफाइन किया था कि ये एक्टिव लो सिग्नल है सो so, जो ही ये स्टेट्स आई ये जीरो हो जाएगा टाइमर रीसेट हो जाएगा एल टाइम सिग्नल और एस टाइम सिग्नल जीरो हो जाएंगे और दोबारा से टाइमर काउंट करना शुरू हो जाएगा राइट हैंड साइड पर एक दूसरी गैल डिवाइस दिखाई गई गैल सिक्सटीन तीन इनपुट्स तो क्यू जीरो बार क्यू वन बार क्यू टू बार हैं जो कि पहले गैल डिवाइस से आ रहे हैं दो मजीद इनपुट्स हमने इस्तेमाल किए हुए फ्लैश क्लॉक और मैनुअल बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि किसी भी टाइम आप इस ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर को मैनुअल मोड में कन्फिगर कर सकते हैं एक स्विच है जो कि मैनुअल के साथ कनेक्टेड है जब इसको ऑन कर देंगे तो जो ट्रैफिक लाइट सिग्नल है वो येलो लाइट को बार बार फ्लैश करना शुरू कर देगा रेड सिग्नल ऑन नहीं होगा ग्रीन सिग्नल ऑन नहीं होगा जो येलो लाइट की फ्रीक्वेंसी है फ्लैशिंग फ्रीक्वेंसी है वो कैसे डिटरमिन होगी वो बेसिकली फ्लैश क्लॉक जो इनपुट सिग्नल है उससे डिटरमिन होगी फ्लैश क्लॉक सिग्नल पे आप एक क्लॉक कनेक्ट कर देंगे लेट्स से उसकी वन हर्ट्स फ्रीक्वेंसी है तो वन हर्ट्स के हिसाब से येलो लाइट जो है वो ऑन ऑफ़ होगी गैल सिक्सटीन के आउटपुट पर आपको छः सिग्नल्स नज़र आ रहे हैं एन एस रेड ये नॉर्थ साउथ सेक्शन का जो रेड लाइट है उसको कंट्रोल कर रहा है ऑन या ऑफ़ करेगा इसी तरह नॉर्थ साउथ येलो जो आउटपुट सिग्नल है ये नॉर्थ साउथ सेक्शन की जो येलो लाइट है उसको ऑन ऑफ करता है इसी तरह नॉर्थ साउथ ग्रीन जो आउटपुट सिग्नल है ये नॉर्थ साउथ सेक्शन की ग्रीन लाइट को ऑन ऑफ करेगा ईस्ट वेस्ट सेक्शन में आपको अगेन तीन आउटपुट सिग्नल्स चाहिए जो कि रेड येलो एंड ग्रीन लाइट को ऑन ऑफ करें तो ये तीन सिग्नल जो हैं ईस्ट वेस्ट रेड ईस्ट वेस्ट येलो ईस्ट वेस्ट ग्रीन है ये दूसरा जो गैल डिवाइस दिखाया गया ये बेसिकली कॉम्बिनेशन सर्किट को इंप्लीमेंट कर रहा है कॉम्बिनेशन सर्किट के पांच इनपुट्स हैं फ्लैश क्लॉक मैनुअल Q0 जीरो बार Q1 वन बार Q2 टू बार और छः आउटपुट्स हैं एन एस रेड एन एस येलो एन एस ग्रीन ई डब्ल्यू ईस्ट वेस्ट रेड है ईस्ट वेस्ट येलो है और ईस्ट वेस्ट ग्रीन है आइए हम जरा बात कर लें ये जो सेकेंड गैल डिवाइस हमने डिस्क्राइब की शो की डायग्राम में उसको कैसे हम प्रोग्राम करेंगे ताकि ये हमारी डिस्कशन कम्प्लीट हो जाए जैसे कि हमने डायग्राम में दिखाया जो सेकंड गैल है जो कि ट्रैफिक लाइट सिग्नल को कंट्रोल कर रहा है बेसिकली स्विच कर रहा है लाइट्स को रेड को ऑन करता है या ऑफ़ करता है ग्रीन को ऑन करता है ऑफ़ करता है उसके छः आउटपुट्स थे और पाँच इनपुट्स थे अब हमने बात करनी है कि एबल जो फाइल है जिसके थ्रू हम प्रोग्राम करेंगे इस डिवाइस को उसके पिन डेकोरेशन क्या हैं कितने पेन्स इनपुट पर होंगे आउटपुट पर वो तो हमने अभी डिसाइड कर लिया उसमें इक्वेजन्स uh, बेसिकली क्या होंगे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो इक्वेशंस हैं क्योंकि हमने एक कॉम्बिनेशन सर्किट है तो हमने वो इक्वेशंस बनानी है जिनकी मदद से जो लाइट्स हैं वो ऑन या ऑफ हों सो आइए ये तीनों चीज़ें देखते हैं पहले हम देखते हैं पिन डिस्क्रिप्शन इनपुट पेन कौन सी आउटपुट पिन कौन सी हैं फिर इक्वेजन्स देखते हैं और फाइनली हमारा जो है ये सर्किट कम्प्लीट हो जाएगा पिन डेकोरेशन में हमने डिफरेंट पेन्स डिस्क्राइब की हुई हैं सो फ्लैश क्लॉक मैनुअल जो हैं ये पिन वन एंड टू पे अवेलेबल हैं इसी तरह क्यू जीरो बार क्यू वन बार क्यू टू बार, बार पिन फोर फाइव एंड सिक्स पे अवेलेबल हैं जो आउटपुट सिग्नल्स हैं एन रेड एन येलो एन ग्रीन जो हैं पेन्स नाइनटीन एंड एटीन सेवनटीन पे अवेलेबल हैं ई रेड ई येलो ई ग्रीन जो है पेन्स फोरटीन थर्टीन एंड ट्वेल्व पे अवेलेबल हैं है, है। अब हम देखते हैं इक्वेजन्स को हमने कौन सी इक्वेशंस लिखनी है जिनकी वजह से जो डिफरेंट लाइट्स हैं ईस्ट वेस्ट सेक्शन पे और नॉर्थ साउथ सेक्शन पे वो ऑन और ऑफ हों इससे पहले कि हम इक्वेशंस लिखें हम जरा एक टेबल देख लेते हैं जिसमें डिफरेंट लाइट्स की स्टेट को बताया गया है सो so, इस टेबल में स्टेट जो है नॉर्थ साउथ ग्रीन है इसमें जो नॉर्थ साउथ ग्रीन लाइट है वो ऑन है नॉर्थ साउथ येलो लाइट ऑफ है नॉर्थ साउथ रेड लाइट जो है ऑफ है ईस्ट वेस्ट की ग्रीन लाइट ऑफ है ईस्ट वेस्ट येलो लाइट जो है वो ऑफ है और ईस्ट वेस्ट रेड लाइट जो है वो ऑन है इसी तरह अगर नेक्स्ट स्टेट एन एस वाई नॉर्थ साउथ येलो स्टेट को देखा जाए उसमें येलो लाइट ऑन होनी चाहिए और ईस्ट वेस्ट सेक्शन की रेड लाइट ऑन होनी चाहिए जैसा कि टेबल में दिखाया गया है इसके बाद जो है नॉर्थ साउथ येलो टू स्टेट है उसमें भी नॉर्थ साउथ येलो जो लाइट है वो ऑन होनी चाहिए और ईस्ट वेस्ट की रेड लाइट ऑन होनी चाहिए बेसिकली जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया था नॉर्थ साउथ येलो और नॉर्थ साउथ येलो टू जो स्टेट हैं उनमें जो डिफरेंस है वो यही है कि नॉर्थ साउथ येलो टू स्टेट में टाइमर रीसेट एक्टिव हो जाता है और नॉर्थ साउथ येलो स्टेट में टाइमर री एक्टिव नहीं होता आउटपुट्स दोनों के एक ही हैं नॉर्थ साउथ रेड स्टेट को अगर देखें तो नॉर्थ साउथ रेड जो लाइट है वो ऑन होनी चाहिए और जो ईस्ट वेस्ट रेड लाइट है वो भी ऑन होनी चाहिए सो so, दोनों सेक्शन पर रेड लाइट्स ऑन हैं इसी तरह ईस्ट वेस्ट ग्रीन को अगर देखा जाए तो ईस्ट वेस्ट सेक्शन की ग्रीन लाइट ऑन होनी चाहिए और नॉर्थ साउथ सेक्शन की रेड लाइट ऑन होनी चाहिए जैसा कि दिखाया गया ईस्ट वेस्ट येलो स्टेट और ईस्ट वेस्ट येलो टू स्टेट इन दोनों में ईस्ट वेस्ट येलो लाइट जो है वो ऑन होनी चाहिए और नॉर्थ साउथ की रेड लाइट ऑन होनी चाहिए जैसा कि टेबल में नज़र आ रहा आखरी state है आखिरी जो स्टेट है ईस्ट वेस्ट रेड स्टेट ईस्ट वेस्ट रेड स्टेट में जो ईस्ट वेस्ट रेड सिग्नल है वो ऑन होना चाहिए और नॉर्थ साउथ रेड सिग्नल है वो भी ऑन होना चाहिए जैसे कि टेबल में दिखाया गया अब इस टेबल की मदद से हम इक्वेशंस लिख सकते हैं बेसिकली बुलियन एक्सप्रेशन डिफाइन कर सकते हैं जो हमें बताएगी कि ग्रीन लाइट जो है नॉर्थ साउथ सेक्शन पे वो कब ऑन होनी चाहिए जैसा कि टेबल में नजर आ रहा है जब नॉर्थ साउथ ग्रीन स्टेट है तब ही नॉर्थ साउथ ग्रीन लाइट ऑन होगी इसी तरह अगर आप बुलियन एक्सप्रेशन देखें नॉर्थ साउथ येलो लाइट को ऑन करने के लिए तो वो उसी वक्त ऑन होगी जब नॉर्थ साउथ येलो स्टेट है या नॉर्थ साउथ येलो टू स्टेट है अगर नॉर्थ साउथ रेड सिग्नल को ऑन करना है तो वो उसी वक्त ऑन होगा जब नॉर्थ साउथ ग्रीन स्टेट नहीं है नॉर्थ साउथ येलो स्टेट नहीं है और नॉर्थ साउथ येलो टू स्टेट नहीं है तो आइए देखते हैं बुलिन एक्सप्रेशंस और इनको हम एबल फाइल में कैसे डिफाइन करेंगे एबल की इक्वेशंस जो हैं उनको देखते हैं नॉर्थ साउथ रेड पहली जो इक्वेजन है इसमें हमने मैनुअल बार को एंड किया हुआ है बाकी बुलियन एक्सप्रेशन के साथ मैनुअल बार जो है दैट मीन्स जब मैनुअल इनपुट लो है तब ये एक्सप्रेशन वैलिड हो जाएगी अगर वो हाई है तो ये एक्सप्रेशन वैलिड नहीं होगी जैसे कि हमने पहले बताया मैनुअल इनपुट को हम यूज़ कर रहे हैं टू कंट्रोल द ट्रैफिक लाइट सिग्नल मैनुअली इसको जब ऑन कर देंगे तो वो येलो लाइट को बार बार फ्लैश करेगा सो so, अगर मैनुअल सिग्नल जीरो है तब बुल एक्सप्रेशन टी आर स्टेट नॉट इक्वल टू North South Green and TR State not equal to North South Yellow and TR State not equal to North South Yellow two जो बुलीन एक्सप्रेशन है ये काम कर रही होगी। So basically हमने ये बताया है कि North South Red Signal उसी वक्त एक्टिव हो या ऑन हो जब State North South Green नहीं है North South Yellow State नहीं है और North South Yellow two State भी नहीं है। North South Yellow Output की इक्वेशन देखें अगेन मैनुअल बार एंड विद टी आर स्टेट इक्ल्स टू नॉर्थ साउथ येलो और टी आर स्टेट इक्ुल्स टू नॉर्थ साउथ येलो टू सो दैट मीन्स अगर इनमें से कोई भी सी दो स्टेट है नॉर्थ साउथ येलो है या नॉर्थ साउथ येलो टू है और मैनुअल जो है वो ज़ीरो है तब हम येलो लाइट को ऑन करेंगे अगर मैनुअल वन है तो जो इक्वेशन है उसमें मैनुअल एंड फ्लैश क्लॉक वाला जो पार्ट है वो एक्टिवेट हो गया दैट मीन्स मैनुअल अगर वन है तो फ्लैश क्लॉक पे जो भी इनपुट सिग्नल होगा उस रेट पे येलो लाइट जो है वो फ्लैश करेगी इसी तरह नीचे नॉर्थ साउथ ग्रीन की इक्वेशन जो है वो मैनुअल बार एंड टी आर स्टेट इक्वल्स टू नॉर्थ साउथ ग्रीन जैसा कि हमने पहले बताया था अगर स्टेट नॉर्थ साउथ ग्रीन है और मैनुअल जो इनपुट है वो जीरो है तभी ग्रीन लाइट ऑन होगी इसी तरह ईस्ट वेस्ट रेड की इक्वेशन लिखी हुई है ईस्ट वेस्ट येलो की इक्वेशन लिखी गई और ईस्ट वेस्ट ग्रीन की इक्वेशन लिखी हुई है और east -west green की अभी हमने जो ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर है वो जब ट्रैफिक सिग्नल्स को लाइट्स को एक्चुअली स्विच कर रहा है ऑन ऑफ कर रहा है उसका हमने सर्किट देखा बेसिकली एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है उसके हमने इनपुट्स देखे आउटपुट्स देखे उसकी हमने इक्वेशंस लिखी आइए अब नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कशन शुरू करते हैं एनालिसिस ऑफ सिक्वेंशल स्टेट मशीन्स अभी तक हमने एनालिसिस नहीं किया जितने भी लेक्चर्स में हम डिस्कशंस किए हैं वो बेसिकली हमने स्टार्ट किया था सिक्वेंशल स्टेट मशीन के केस में हमारे पास स्टेट डायग्राम था स्टेट डायग्राम से हम बेसिकली स्टेट टेबल बनाते हैं स्टेट टेबल से हम एक्साइटेशन टेबल्स यूज़ करते हैं अप्रोपेट फ्लिप फ्लॉप जो हम यूज़ कर रहे हैं इंप्लीमेंट करने के लिए उससे हमारे पास इनपुट इक्वेशंस आती हैं इनपुट इक्वेशंस हम कार्न ऑफ मैप में डालते हैं मैप करते हैं हमारे पास बोलियन एक्सप्रेशन आती हैं और बोलियन एक्सप्रेशन की मदद से हम एक सिक्वेंशल स्टेट मशीन को इंप्लीमेंट कर देते हैं लेट अस सपोज कि आपके पास एक बना बनाया सर्किट है सिक्वेंशल स्टेट मशीन का अब आपने ये डिटरमिन करना है कि ये जो सिक्वेंशल स्टेट मशीन है ये करती क्या है बेसिकली काउंटर है शिफ्ट रजिस्टर है ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर है या एलिवेटर कंट्रोलर है या कोई और कंट्रोलर है सो so, आपने जो आपने प्रोसेस शुरू में किया था डिज़ाइन इंप्लीमेंटेशन में वो आप उल्टा बेसिकली प्रोसेस कर रहे होंगे सो बेसिकली एनालिसिस ऑफ सिक्वेंशल स्टेट मशीन्स के भी वेल डिफाइंड स्टेप्स हैं बड़े सिंपल से स्टेप्स हैं पहला काम जो आपने करना है वो अपने फंक्शन आउटपुट जो है ठीक है वो आपने डिटर्मिन करना स्टेट फंक्शन आउटपुट जो है जो कि फ्लिप फ्लॉप्स के आउटपुट पे नेक्स्ट स्टेट आपके पास आ रही है वो आपने डिटर्मिन करना है और जो सिक्वेंशल सर्किट का आउटपुट है वो फंक्शन आपने डिटर्मिन करना है सो so, जो फ्लिप फ्लॉप क्या जो आउटपुट नेक्स्ट स्टेट फंक्शन है वो कैसे डिटर्मिन होगा वो किस पर डिपेंड करता है बेसिकली इनपुट सिग्नल्स पे और प्रेजेंट स्टेट पे कोई भी फ्लिप फ्लॉप होगा उसकी जो भी प्रेजेंट स्टेट होगी और जो एक्सटर्नल इनपुट होंगे उन बेसिस पे नेक्स्ट स्टेट डिटरमिन होगी तो ये आपने फंक्शन डिटरमिन करना है इसी तरह किसी भी एक सिक्वेंशल स्टेट मशीन का जो आउटपुट है आउटपुट सिग्नल्स आ रहे हैं जैसे कि हमने लेफ्ट कंट्रोलर के केस में देखा था डोर सिग्नल था और डायरेक्शन सिग्नल था मोशन सिग्नल uh, था बेसिकली ये डिपेंड करते हैं दी करंट स्टेट एंड द एक्सटर्नल इनपुट्स अगर मिली मशीन है तो ऑफकोर्स करंट स्टेट और एक्सटर्नल इनपुट्स होंगे अगर ये मोर मशीन है तो जो आउटपुट है वो सिंपली डिपेंड करेगा इट वुड बी ए फंक्शन ऑफ द करंट स्टेट नो एक्सटर्नल इनपुट तो आपने एनालिस्ट के लिए ये दो फंक्शंस डिटर्मिन करने हैं नेक्स्ट स्टेट फंक्शन जो है और एक आउटपुट फंक्शन जब आपके पास ये दो फंक्शन आ जाएंगे नेक्स्ट आपने क्या करना है इससे आपने एक स्टेट टेबल बना देना है जब स्टेट टेबल आ जाए तो दैट मीन्स आपने वो जो सिक्वेंशल स्टेट मशीन है उसको डिफाइन कर दिया स्टेट टेबल के बाद आपके पास एक ऑप्शन है कि आप स्टेट डायग्राम बना लें सो बेसिकली सर्किट को देखा सर्किट से आपने दो फंक्शंस निकाले दो फंक्शंस जब निकाले आपने स्टेट टेबल बनाया स्टेट टेबल से आपके पास स्टेट डायग्राम आ गया बेसिकली जो आउटपुट फंक्शंस हैं और जो स्टेट फंक्शंस हैं वो आपने निकालने कैसे हैं इनको डिराइव करने के लिए हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है उसकी मदद लेते हैं बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है क्या कोई भी फ्लिप फ्लॉप है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है बेसिकली उसका कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जब भी कोई नया इनपुट होगा और जो प्रेजेंट स्टेट होगी उसके बेसिस पे नेक्स्ट स्टेट पे स्विच कर जाएगा जो हम करते आ रहे हैं उसमें ये इक्वेशन हम एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखेंगे कैसे जैसे हम बोलियन एक्सप्रेशन लिखते हैं जो कि कोई भी कॉम्बिनेशन सर्किट है उसको डिटर्मिन कर रहा है या सिक्वेंस सर्किट को डिटर्मिन करता है तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ये भी उस फ्लिप फ्लॉप के फंक्शन को डिटर्मिन करेगी इसमें क्लॉक जो सिग्नल है उसको हम कंसिडर नहीं कर रहे क्योंकि फंक्शन डिस्क्राइब कर रही है तो वो हमें पता है कि क्लॉक ट्रांजेक्शन पर ही ये फंक्शन चेंज होगा सो so, हम एक करैक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है एक फ्लिप फ्लॉप की डिफ़ाइन कर सकते हैं और एक इसी तरह एक लैच की डिफाइन कर सकते हैं सो so, आइए देखते हैं कि करैक्टरिस्टिक इक्वेस डिराइव कैसे की हैं देखने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जो हमने एक्साइटेशन टेबल्स बनाए थे हर फ्लिप फ्लॉप के जैसे कि हमने जे के फ्लिप फ्लॉप यूज़ किया था काउंटर में या एक शिफ्ट रजिस्टर में हम ये कह रहे थे कि कौन से इनपुट्स होंगे जिनकी मदद से हम एक प्रेजेंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट पे स्विच कर रहे हैं तो उसमें आपको ने देखा था जे के के केस में जे इनपुट एक्स है के इनपुट वन है या जे इनपुट ज़ीरो है और के इनपुट जो है एक्स है तो वो हमारे एक्साइटेशन टेबल्स आ गए थे सो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है एक्साइटेशन टेबल की मदद से हम डिफाइन कर सकते हैं बेसिकली एक्साइटेशन टेबल किसी भी फ्लिप फ्लॉप का या लैच का अगर कार्न ऑफ मैप में उसको मैप करें और उसको सॉल्व करें सिंप्लीफाई करें आपके पास एक करेक्टिक करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी सो so, ये देखते हैं इस प्रोसेस को हम एक एस आर फ्लिप फ्लॉप को लेते हैं या लैच को लेते हैं उसकी करैक्टरस्टिक इक्वेशन जो है उसको हम डिराइव करते हैं हम एक एस आर फ्लिप फ्लॉप या एस आर लैच की करैक्टरिस्टिक इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं सो so, जो डायग्राम में एक एस आर फ्लिप फ्लॉप का ट्रांजेक्शन टेबल दिखाया गया सो so, इनपुट्स जो हैं एस आर हैं ऑफ़कोर्स एस ज़ीरो है आर ज़ीरो हो या वन हो पुरानी स्टेट क्यू टी जो है अगर जीरो है क्यू टी प्लस वन नेक्स्ट स्टेट जो है वो जीरो रहेगी इसी तरह अगर एस इनपुट वन है आर इनपुट ज़ीरो है क्यू टी पुरानी जो स्टेट है प्रीवियस स्टेट जो है ज़ीरो है नेक्स्ट स्टेट जो है वो वन होगी एस अगर ज़ीरो है आर वन है क्यू टी स्टेट जो है वन है नेक्स्ट स्टेट जो है वो ज़ीरो होगी एस डोंट केयर है आर जीरो है क्यू टी स्टेट जो है वो वन है क्यू टी प्लस वन जो है वो भी वन रहेगी अब इस इंफॉर्मेशन को हम एक थ्री वेरिएबल कार्न ऑफ मैप में मैप कर रहे हैं जिसमें जो वेरिएबल्स हैं एस आर और क्यू टी हैं सो हम डिराइव कर रहे है, expression, expression Q, T, so हैं एक्सप्रेशन बुलियन एक्सप्रेशन फॉर क्यू टी प्लस वन सो आइए देखते हैं कार्न ऑफ मैप थ्री वेरिएबल जो कार्न ऑफ मैप है जिसके इनपुट वेरिएबल्स हैं एस आर क्यू टी उसमें वो हमने जो एक्साइटेशन टेबल की इन्फॉर्मेशन है वो मैप की और जो सिंप्लीफाइड बुलियन एक्सप्रेशन है फॉर एस आर लैच वो हमारे पास आ रही है क्यू टी प्लस वन इक्वल्स टू एस प्लस आर बार क्यू टी तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है किसी भी एस आर लैच या फ्लॉप की आइए देखते हैं मजीद जो एस आर लैचज या फ्लिपलॉप हमने डिस्कस किए थे पिछली डिस्कशन में उनकी करेक्टरिस्टिक इक्वेजन्स क्या हैं टेबल में डिफरेंट लैचेज फ्लिप फ्लॉप की करैक्टरिस्टिक इक्वेशन दिखाई गई हैं एस आर लैच की अभी हमने डिराइव की सो so इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है क्यू टी प्लस वन इक्वल टू एस इनपुट प्लस आर बार इन टू क्यू टी डी लैच जो है उसकी जो करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेजन है क्यू टी प्लस वन इज इक्वल टू डी डी इनपुट है कोर्स और एच ट्रेगढ़ अगर डी फ्लिप फ्लॉप हो जैसा कि हमने बताया था कि क्लॉक को हम कंसिड्रेशन में नहीं ला रहे सिंपली फंक्शन इसका देख रहे हैं सो एच ट्रिगर डी फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो भी वही होगी जो डी लैच के लिए क्यू टी प्लस वन इक्स टू डी जी कि फ्लिप फ्लॉप जो है काफ़ी हमने इस्तेमाल किया डिफरेंट सर्किट्स में इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ रही है क्यू टी प्लस वन इक्स टू जे इनपुट डॉट क्यू टी बार प्लस के बार इनपुट इन टू क्यू टी बेसिकली ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन उसी तरह आप डिराइव कर सकते हैं अगर जे के फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल आपके सामने हो उसको आप मैप कर दें एक थ्री वेरिएबल जो कार्न ऑफ मैप है उससे आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेश जो हैं वो डिफरेंट लैचेस के फ्लिप फ्लॉप्स की वो देखी हैं एस आर फ्लिप फ्लॉप था या लैच थी उसकी हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डिराइव की बेसिकली जो उसके एक्साइटेशन टेबल है उसकी मदद से हम डिराइव कर रहे हैं इसी तरह हमने जे के लैच या फ्लिप फ्लॉप की देखी और डी फ्लिप फ्लॉप या लैच की करैक्टरस्टिक इक्वेशन देखी अब हम बात करते हैं बेसिकली हम दो एग्जाम्पल्स देखते हैं जिनको हम एनालाइज करेंगे और हम देखेंगे कि जो सर्किट्स हमें दिए गए सिक्वेंशल जो सर्किट्स हैं वो बेसिकली कर क्या रहे हैं उनका स्टेट डायग्राम है क्या सो so, पहली एग्जांपल जो है उसमें एक सर्किट है जो कि डी फ्लिप फ्लॉप्स पे बेस्ड है सो so, दो डी फ्लिप फ्लॉप्स लगे हुए हैं क्लॉक ट्रांजिशन आती होती है तो जो डी फ्लिप फ्लॉप्स हैं अपनी स्टेट इनिशियल स्टेट से नेक्स्ट स्टेट पे चेंज कर देंगे ऑफ कोर्स जो नेक्स्ट स्टेट पे चेंज करेंगे वो डिपेंड करता है कि प्रेजेंट स्टेट क्या है और इनपुट कंडीशन क्या हैं इस सर्किट में एक आउटपुट भी है सिंगल बेड आउटपुट है और ये जो आउटपुट है वो डिपेंड कर रहा है प्रेजेंट स्टेट पे और एक्सटर्नल इनपुट पे सो so बेसिकली ये एक मिली मशीन है तो जो आउटपुट फंक्शन है दो वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है प्रेजेंट स्टेट एंड एक्सटर्नल इनपुट सो अगेन हमने ये दो फंक्शंस डिटर्मिन करने हैं सो so, आइए देखते हैं पहले सर्किट डाइग्राम को और फिर स्टेप वाइज हम प्रोसीड करते हैं कि सर्किट uh, डाइग्राम के बाद हमने कौन सी इक्वेशन डिराइव करनी है और एंड में हम जो है स्टेट डाइग्राम तक कैसे पहुँचते हैं डायग्राम में एक सिंक्रोनस स्टेट मशीन दिखाई गई जो D कि डी फ्लिप फ्लॉप पे बेस्ड है जैसे कि हमने बताया कि इसके दो फ्लिप फ्लॉप्स हैं दो डी फ्लिप फ्लॉप्स हैं दोनों के ऑफ कोर्स इनपुट्स एक कॉमन क्लॉक के साथ कनेक्टेड हैं पॉजिटिव एज एस्ट्रेटेड फ्लिप फ्लॉप्स हैं एक एक्सटर्नल इनपुट है जिसका नाम इनेबल है सो so इनेबल जो है वो एक आउटपुट पे एंड गेट के साथ कनेक्टेड है आउटपुट जो है मैक्सिमम सिग्नल है और इनेबल सिग्नल जो है वो जो फ्लिप फलॉप्स हैं उनके इनपुट पे भी कनेक्टेड है थ्रू सम कॉम्बिनेशनल सर्किट सो डी फ्लिपलाप्स के लेफ्ट हैंड साइड पे जो एंड गेट्स और गेट्स और नॉट गेट्स नजर आ रहे हैं ये बेसिकली कॉम्बिनेशनल सर्किट इनपुट है जो के एक्साइटेशन इनपुट्स जनरेट कर रहा है दोनों फ्लिपलॉप्स के लिए सो so, इस कॉम्बिनेशनल सर्किट के इनपुट पर जो एक्सटर्नल इनपुट इेबल सिग्नल भी अप्लाइड है और जो दो फ्लिप फलॉप्स के प्रजेंट स्टेट्स हैं क्यू जीरो वो भी अप्लाइड हैं जैसे कि हमने बताया कि इन दो फ्लिप फ्लॉप्स की जो फंक्शनल आउटपुट है जो आउटपुट स्टेट है वो डिपेंड करेगी प्रेजेंट स्टेट और प्रेजेंट इनपुट जो एक्सटर्नल इनपुट है आउटपुट जो है थ्री इनपुट्स हैं दो इनपुट्स जो हैं प्रेजेंट स्टेट के हैं और एक जो इनपुट है वो एक्सटर्नल इनपुट पे डिपेंड कर रहा है हमने अभी सर्किट डायग्राम देखा नेक्स्ट स्टेप जो है हमने इसके फंक्शनल इक्वेशन डिटरमिन करनी है जो कि इस सिक्वेंसल मशीन की प्रेजेंट स्टेट को डिटरमिन कर रही है या रदर नेक्स्ट स्टेट को डिटरमिन कर रही है नेक्स्ट स्टेट बेसिकली डिपेंड होगी प्रेजेंट स्टेट एंड एक्सटर्नल इनपुट पे सो so बेसिकली पहले जो प्रेजेंट स्टेट है वो डिटर्मिन करनी है जो एक्साइटेशन इनपुट जो हम फ्लिप फ्लॉप से अप्लाई कर रहे हैं वो हमने आ, मालूम करनी है वो कैसे मालूम करेंगे बेसिकली बाय लुकिंग एट दिस सर्किट जो कॉम्बिनेशन सर्किट हमने देखा वो है, है वो बेसिकली डिटर्मिन कर रहा है कि जो एक्साइटेशन इनपुट्स हैं वो क्या हैं जो पास हमारे पास एक्साइटेशन इनपुट्स आ जाएंगी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है डी फ्लिप फ्लॉप के लिए सो so, उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे उसमें जो भी वेरिएबल्स हैं उधर एक्साइटेशन इनपुट्स हम अप्लाई करेंगे और हमारे पास एक कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी जो कि नेक्स्ट स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है सो so, ये देखते हैं जो एक्साइटेशन इनपुट्स हैं वो कैसे मालूम कर रहे हैं और उसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की मदद से ट्रांजिशन फॉर्म में या ट्रांजिशन इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं टेबल में डी फ्लिप फ्लॉप्स के एक्साइटेशन इनपुट्स दिखाए गए हैं दो डी फ्लिप फ्लॉप्स हैं दो इनपुट्स हैं डी जीरो डी वन सो दो ही एक्साइटेशन इनपुट्स होंगे सो डी जीरो इनपुट के लिए जो एक्साइटेशन इनपुट है जो बुलिन एक्सप्रेशन बन रही है वो है क्यू जीरो इनेबल बार प्लस क्यू ज़ीरो बार इनेबल ये कैसे डिराइव हुई बेसिकली अगर आप सर्किट देखें जो कॉम्बिनेशन सर्किट जो कनेक्टेड है डी ज़ीरो इनपुट पे दो एंड गेट्स हैं और दोनों के आउटपुट एक और गेट के साथ कनेक्टेड हैं दोनों एंड गेट जो हैं वो कनेक्टेड हैं इनेबल सिग्नल पे और क्यू ज़ीरो और क्यू ज़ीरो बार सिग्नल के साथ इसी तरह डी वन जो इनपुट है दूसरे डी फ्लिप फ्लॉप का उसका एक्साइटेशन इनपुट मालूम करना है वो बेसिकली डिपेंड करता है या वो डिटरमिन होता है जो कॉम्बिनेशनल सर्किट उसके लेफ्ट साइड पे दिखाया गया है सो so, जो कॉम्बिनेशन सर्किट है उसके तीन प्रोडक्ट टर्म्स हैं तीन एंड गेट्स हैं उनको सम किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ ए और गेट सो जैसा कि बुलिन एक्सप्रेशन में दिखाया गया है तीन प्रोडक्ट टर्म्स हैं जिनका सम किया जा रहा है सो डी वन का एक्साइटेशन इनपुट जो है उसकी बुलिन एक्सप्रेशन बन रही है क्यू वन इनेबल बार प्लस क्यू ज़ीरो क्यू वन बार इनेबल प्लस क्यू ज़ीरो बार क्यू वन इनेबल नेक्स्ट स्टेप में हमने ट्रांजिशन इक्वेशंस मालूम करनी है ट्रांजिशन इक्वेशंस बेसिकली बता रही हैं कि जो Q0 है और Q1 जो है नेक्स्ट स्टेट आउटपुट्स क्या होंगे बेसिकली ये डिटरमिन होंगे डी फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से सो डी फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर Q0 आउटपुट इज Q0 ज़ीरो टी प्लस वन इक्वल्स टू डी ज़ीरो इनपुट इसी तरह जो दूसरा फ्लिप फ्लॉप है उसका जो Q1 आउटपुट है नेक्स्ट स्टेट आउटपुट Q1 वन टी प्लस वन उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन रही है वो है Q1 वन टी प्लस वन इक्वल्स टू डी इनपुट जो है D1 वन दूसरे फ्लिप फ्लॉप का इन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में बेसिकली हम D0 और D1 के लिए जो एक्साइटेशन इनपुट हमने ऊपर पहले मालूम किए हैं वो रिप्लेस कर रहे हैं सो डी जीरो को रिप्लेस कर देंगे Q0 जीरो इनेबल बार प्लस Q0 जीरो बार इनेबल से और इसी तरह D1 जो है जो दूसरी ट्रांजिशन इक्वेशन बन रही उसको हम रिप्लेस कर देंगे D1 की बोली इन एक्सप्रेशन है जो कि है Q1 वन इनेबल बार प्लस क्यू जीरो क्यू वन बार इनेबल प्लस क्यू ज़ीरो बार क्यू वन इनेबल अभी हमने दो ट्रांजिशन इक्वेशंस डिराइव किए हैं बेसिकली जो डिराइव हो रही हैं D फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से और जो एक्साइटेशन इनपुट्स हैं अब दो हमारे पास एक्सप्रेशंस आ गई जो ट्रांजेक्शन एक्सप्रेशन इक्वेशन के ला रही हैं नेक्स्ट स्टेप जो होगा बेसिकली हमने एक स्टेट टेबल बनाना है या ट्रांजेक्शन टेबल बनाना है ट्रांजेक्शन टेबल इज़ द सेम थिंग एज द स्टेट टेबल स्टेट टेबल में हम बेसिकली जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनको कोई नाम दे देते हैं और अगर आउटपुट्स हैं वो भी इंक्लूड कर रहे हैं ट्रांजेक्शन टेबल में आउटपुट्स इंक्लूडेड नहीं है सो so, ये देखते हैं कि ट्रांजेशन टेबल कैसे बन रहा है और उसके बाद हम देखेंगे कि स्टेट टेबल कैसे बन रहा है जिसमें हम आउटपुट को भी इंकॉप्रेट कर रहे हैं इसमें हमने अभी आउटपुट जो फंक्शन है वो हमने डिस्कस नहीं किया बेसिकली आउटपुट फंक्शन क्या है अगर आप जो सर्किट है उसको अगर आप देखें हमने एक थ्री इनपुट एंड गेट इस्तेमाल किया हुआ है जिसके इनपुट्स पे जो दो फ्लिप फ्लॉप्स हैं उनके सिग्नल्स आ रहे हैं और एक इनेबल सिग्नल आ रहा है सो बेसिकली जो आउटपुट फंक्शन है वो प्रोडक्ट होगा इन तीन टर्म्स का डायग्राम में एक ट्रांजिशन टेबल दिखाया गया फॉर दी डी फ्लिप फ्लॉप बेस्ड स्टेट मशीन स्टेट मशीन पे अगर आप गौर करें दो फ्लिप फ्लॉप्स हैं दैट मीन्स दो स्टेट वेरिएबल्स हैं सो मैक्सिमम पॉसिबल जो स्टेट्स हैं वो चार ही हो सकती हैं जैसा कि ट्रांजिशन टेबल में दिखाया गया चार स्टेट्स हैं सो प्रेजेंट स्टेट Q1, Q0 जो कि स्टेट वेरिएबल्स हैं वो डिफाइन कर रहे हैं पहली स्टेट एज़ जीरो जीरो दूसरी स्टेट एज़ जीरो वन तीसरी स्टेट एज वन ज़ीरो और चौथी स्टेट वन वन अब प्रेजेंट स्टेट से आप नेक्स्ट स्टेट पे स्विच कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दी एक्सटर्नल इनपुट इेबल इनपुट जो है सो so, अगर जीरो है तो नेक्स्ट डेट क्या होगी और वन है तो नेक्स्ट डेट क्या होगी वो हम डिटर्मिन कर सकते हैं बाई लुकिंग एट दी ट्रांजिशन इक्वेशंस जो हमने पहले डिराइव की थी सो ट्रांजिशन इक्वेजन्स को सामने रखें दो हमारे पास ट्रांजिशन इक्वेजन् एक है क्यू जीरो टी प्लस वन के लिए और दूसरी है क्यू वन टी प्लस वन के लिए सो so, आइए देखते हैं अगर प्रजेंट स्टेट है जीरो जीरो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी जब इनेबल सिग्नल जो है वह ज़ीरो होगा सो so, पहले हम देखते हैं Q0 को सो क्यू जीरो की अगर ट्रांजिशन इक्वेशन को देखें उसमें Q0 जीरो इनेबल बार है प्लस Q0 ज़ीरो बार इनेबल है तो इसमें ये सारी वैल्यूज डाल दें Q0 की वैल्यू डाल दें और इनेबल जो है जो कि ज़ीरो है उसको डालें तो जो नेक्स्ट स्टेट Q0 ज़ीरो आउटपुट है वो ज़ीरो ही है इसी तरह अब पाप क्यू को डिटर्मिन करना है जब इनेबल सिग्नल जीरो है तो नेक्स्ट स्टेट जो है Q1 की वो क्या होगी अगेन Q1 की ट्रांजिशन इक्वेशन को देखें Q1 वन टी प्लस वन की जो इक्वेशन डिफाइन की गई है इसमें डिफरेंट वेरिएबल्स डालें Q1 है उसमें उसकी वैल्यू डालें Q0 की वैल्यू डालें Q1 बार की डालें और Q0 बार की डालें और इसी तरह इनेबल बार और इनेबल की वैल्यू डालें इन सारों को सॉल्व करें तो जो नेक्स्ट स्टेट है Q1 की वो जीरो आएगी इसी तरह आप देख सकते हैं कि अगर प्रेजेंट स्टेट जो है क्यू वन है क्यू ज़ीरो जीरो है और इनेबल सिग्नल वो वन है तो नेक्स्ट डेट क्या आएगी क्यू वन क्या होगा और क्यू ज़ीरो क्या होगा सो so, अगर क्यू ज़ीरो को पहले देख लें इनेबल सिग्नल अगर वन है तो जो सेकेंड प्रोडक्ट टर्म है क्यू जीरो बार इनेबल ये हाई हो जाएगी क्योंकि क्यू ज़ीरो बार वन है और इनेबल वन है सो क्यू ज़ीरो टी प्लस वन भी वन हो जाएगा सो जैसा कि ट्रांजेक्शन टेबल में दिखाया गया नेक्स्ट डेट क्यू जीरो वन होगा Q1 वन जो है वो क्या होगा जब इनेबल सिग्नल वन है सो so अगेन Q1 वन टी प्लस वन की एक्सप्रेशन को यूज़ करें उसमें डिफरेंट वैल्यूज डालें तो जब आप सॉल्व करेंगे तो Q1 की नेक्स्ट डेट जो है वो ज़ीरो ही आएगी इसी तरह आप प्रेजेंट स्टेट जीरो वन के लिए एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए नेक्स्ट डेट डिटर्मिन कर सकते हैं फॉर बोथ एक्सटर्नल इनपुट्स इनेबल इक्वल्स टू जीरो एंड इनेबल इक्वल्स टू वन सो प्रेजेंट स्टेट जीरो जीरो है इनेबल अगर ज़ीरो है तो नेक्स्ट स्टेट जीरो जीरो होगी वही स्टेट रहेगी अगर इनेबल वन है तो नेक्स्ट स्टेट जो है स्विच करके जीरो वन पे चली जाएगी अगर प्रेजेंट स्टेट जीरो वन है इनेबल इनपुट जीरो है तो ये वही स्टेट में रहेगा अगर इनेबल इनपुट वन है तो ये नेक्स्ट स्टेट वन जीरो पर स्विच कर जाएगा अगर प्रेजेंट स्टेट वन ज़ीरो है इनेबल इनपुट ज़ीरो है तो नेक्स्ट स्टेट भी यही इनिशियल स्टेट रहेगी और अगर इनेबल इनपुट uh, जो है वो वन है तो नेक्स्ट स्टेट पे ये स्विच कर जाएगी स्टेट मशीन जो है वन वन जो स्टेट है अगर इनिशियल स्टेट वन वन है इनेबल इनपुट जीरो है तो इनिशियल स्टेट पे ही रहेगी स्टेट मशीन और अगर इनेबल इनपुट वन है तो हम स्विच कर जाएंगे नेक्स्ट स्टेट जीरो जीरो पर अगर आप इस ट्रांजशन टेबल पर गौर करें ये बेसिकली एक टू बिट काउंटर को रिप्रजेंट कर रहा है क्योंकि इनेबल जब सिग्नल वन है तो हम दूसरी स्टेट पे काउंट uh, कर रहे हैं जो कि नेक्स्ट स्टेट है या इंक्रीमेंट या अप काउंटर है अगर इनेबल सिग्नल जीरो है तो हम उसी स्टेट पे रह रहे हैं अभी हमने एक ट्रांजिशन टेबल uh, बनाया जो कि हमने ट्रांजिशन इक्वेजन जो हमने रेव की थी उनकी मदद से सो बेसिकली ट्रांजिशन इक्वेजन हमारे पास हैं हमारे पास प्रेजेंट स्टेट का पता है इट इज़ बेस्ड ऑन दी नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स तो हर प्रेजेंट स्टेट के लिए हम हर इनपुट जो एक्सटर्नल इनपुट है उसको यूज़ करते हुए नेक्स्ट स्टेट को डिटर्मिन कर रहे हैं तो so, वो हमारा एक ट्रांजिशन टेबल कंप्लीट हो जाता है ट्रांजिशन टेबल जो है बेसिकली स्टेट टेबल है इसको हम ज़्यादा फॉर्मलाइज़ करने के लिए जो डिफरेंट स्टेट्स हैं जो जीरो 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 वन वन जीरो वन वन से रिप्रेजेंट हो रही हैं इसको हम एक स्टेट नेम दे देते हैं ट्रांजिशन टेबल में हमने आउटपुट जो फंक्शन है उसको कंसिडर नहीं किया तो नेक्स्ट जो हम स्लाइड देखेंगे उसमें बेसिकली स्टेट टेबल डिस्क्राइब किया गया है जिसमें आउटपुट फंक्शन को भी इंक्लूड किया गया उसके बाद हम एक स्टेट डायाग्राम कोर्स स्टेट टेबल से बना सकते हैं सो तो आइए देखते हैं स्टेट टेबल और उसके बाद स्टेट डायाग्राम डायग्राम में एक स्टेट टेबल दिखाया गया फॉर दी मिली मशीन जैसा कि हमने शुरू में डिस्क्राइब किया था जो सर्किट हमने देखा था वो बेसिकली एक रिप्रेजेंट कर रहा है एक मिली स्टेट मशीन को क्योंकि आउटपुट जो है वो डिपेंड करता है प्रेजेंट स्टेट पे और एक्सटर्नल इनपुट्स पे। सो जो स्टेट टेबल इधर नजर आ रहा है उसमें अगेन प्रेजेंट स्टेट जो है ज़ीरो जीरो को हमने एक नाम दे दिया है ए इसी तरह ज़ीरो वन जो स्टेट है वो रिप्रेजेंट हो रही है बी से इसी तरह स्टेट सी है और स्टेट डी है नेक्स्ट स्टेट जो है इनेबल अगर जीरो है तो उसी स्टेट पे रह रहे हैं सो इनेबल जीरो हो तो नेक्स्ट स्टेट अगर प्रेजेंट स्टेट ए है नेक्स्ट स्टेट भी ए होगी इसी तरह अगर प्रेजेंट स्टेट बी है नेक्स्ट स्टेट भी बी होगी इसी तरह सी प्रेजेंट स्टेट है नेक्स्ट स्टेट भी सी है डी प्रेजेंट स्टेट है नेक्स्ट स्टेट भी डी है अगर इनेबल सिग्नल वन है तो फिर हम जो है नेक्स्ट स्टेट पे स्विच कर रहे हैं सो प्रेजेंट स्टेट अगर ए बी सी डी है इनेबल सिग्नल वन है सो नेक्स्ट स्टेट्स जो हैं वो बी सी डी ए होंगे रिस्पेक्टिवली आउटपुट सिग्नल को अगर देखें आउटपुट जो सिग्नल है उसकी जो एक्सप्रेशन है वो डिफाइन हो रही है बाय बोलिया एक्सप्रेशन क्यू ज़ीरो क्यू वन इेबल जैसा कि जैसे डायग्राम में दिखाया गया थ्री इनपुट एंड गेट है उसके तीन इनपुट्स पे Q0 जीरो सिग्नल कनेक्टेड है Q1 वन सिग्नल कनेक्टेड है और इनेबल एक्सटर्नल इनपुट कनेक्टेड है Q0, Q1 जो है प्रेजेंट स्टेट इनपुट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इनेबल जैसा कि हमने बताया एक्सटर्नल सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रहा है सो so, इस इक्वेशन की मदद से हम आउटपुट्स डिफाइन कर सकते हैं फॉर डिफरेंट इनपुट स्टेट्स सो आइए देखते हैं स्टेट टेबल में Uh, अगर स्टेट ए है और इनेबल ज़ीरो है तो आउटपुट क्या होगा बेसिकली ज़ीरो है इसी तरह स्टेट बी सी डी के लिए अगर इनेबल सिग्नल ज़ीरो है तो आउटपुट ज़ीरो ही होंगे अगर इनेबल सिग्नल वन है तो स्टेट डी के लिए जब क्यू ज़ीरो वन है और क्यू वन वन है आउटपुट वन होगा बाकी सारी स्टेट्स के लिए आउटपुट ज़ीरो होगा अब ये हमारा एक कंप्लीट स्टेट टेबल बन गया है जो कि मिली मशीन को रिप्रेजेंट कर रहा है जैसा कि हमने पहले बताया था जब ट्रांजेक्शन टेबल को हम डिस्कस कर रहे थे ये एक टू बिट काउंटर का स्टेट टेबल है नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्टेट टेबल से स्टेट डायग्राम कैसे डिराइव करेंगे वो हमने पहले कर चुके हैं बट फॉर रिविजन सेक इसको हम दोबारा जरा देख लेते हैं स्टेट डायग्राम में चार स्टेट्स दिखाई गई हैं ए बी सी एंड डी डायरेक्टेड एरोज हैं जो ए स्टेट को बी के साथ कनेक्ट कर रही हैं बी को सी के साथ सी को डी के साथ और डी को ए के साथ ए स्टेट को अगर आप देखें एक एरो है जो ए स्टेट से स्टार्ट हो रही है और ए स्टेट पे वापस खत्म हो रही है इनपुट और आउटपुट जो कंडीशन हैं वो स्पेसिफाई किए हुए हैं so सो अगर इनेबल ज़ीरो है आउटपुट मैक्सिमम जो है वो भी ज़ीरो होगा और हम स्टेट ए पे रहेंगे अगर हम स्टेट ए पे हैं इनेबल जो एक्सटर्नल इनपुट है वो वन है मैक्सिमम आउटपुट जो है वो जीरो होगा और हम स्विच कर जाएंगे स्टेट बी पे ये इंफॉर्मेशन कहाँ से हमने ली ये बेसिकली हमने स्टेट टेबल जो अभी हमने देखा था उससे डिराइव की हुई है इसी तरह स्टेट बी को अगर आप देखें इनेबल सिग्नल ज़ीरो है मैक्सिमम आउटपुट जीरो होगा हम स्टेट बी पे रहेंगे अगर इनेबल सिग्नल वन है तो हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं हम स्टेट बी से स्टेट सी पे जा रहे हैं मैक्सिमम काउंट जो है मैक्सिमम आउटपुट जो है वो ज़ीरो रहेगा स्टेट सी पे इनेबल इनपुट अगर जीरो है मैक्समम आउटपुट जीरो रहेगा स्टेट सी पे रहेंगे अगर इनेबल जो इनपुट है वो वन हो गया तो हम स्विच कर जाएंगे नेक्स्ट स्टेट पे डी पे सो डी स्टेट पे अगर इनेबल इनपुट जीरो है तो हम उसी डी स्टेट पे रहेंगे अगर इनेबल इनपुट वन है तो हम स्विच कर जाएंगे स्टेट ए पे और मैक्म आउटपुट जो है वो भी वन हो जाएगा हमने अभी स्टेट टेबल देखा उस मिली मशीन का और उसका कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट डायग्राम देखा लेटा ज्यूम के वो जो ओरिजिनल सर्किट हमने देखा था उसका जो आउटपुट है जो मैक्सिमम आउटपुट है उसमें कोई एक्सटर्नल इनपुट नहीं आ रहा सो so, जो आउटपुट है वो टोटली totally डिपेंड कर रहा है उसकी करंट स्टेट पे सो so, बेसिकली अब क्या होगा ये हो जाएगी मूर मशीन मूर मशीन का जो स्टेट टेबल है उसमें आउटपुट सिंप्लीफाई हो जाएगा और जो स्टेट डाइग्राम है वो भी थोड़ा सा सिम्प्लीफाई हो जाएगा सो so, ये देखते हैं स्टेट टेबल एंड स्टेट डायग्राम फॉर दी मोर मशीन अब मोर मशीन हम एजम्शन ये ले रहे हैं कि जो आउटपुट है उस पर एक्सटर्नल कंट्रोल सिग्नल जो इनपुट सिग्नल है वो नहीं आ रहा है वो टोटली totally डिपेंड कर रहा है फ्लिपसॉप्स की प्रेजेंट स्टेट पर सो आइए देखते हैं डायग्राम में स्टेट टेबल दिखाया गया मोर मशीन का आउटपुट को अगर आप देखें इनेबल पर डिपेंड नहीं कर रहा है ये टोटली totally डिपेंड कर रहा है प्रेजेंट स्टेट पर सो स्टेट ए जो है उसमें क्यू जीरो ज़ीरो है क्यू वन ज़ीरो है तो ऑफकोर्स आउटपुट भी जीरो हो जाएगा इसी तरह स्टेट बी में भी आउटपुट ज़ीरो रहेगा स्टेट सी में भी आउटपुट जीरो रहेगा स्टेट डी में जब क्यू ज़ीरो वन है और क्यू वन बी वन है तो आउटपुट वन हो जाएगा अब आइए देखते हैं स्टेट डायग्राम पे क्या फ़र्क पड़ेगा मूर मशीन का स्टेट डायग्राम दिखाया गया जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं मूर मशीन में जो आउटपुट है वो डिटरमिन होती है प्रेजेंट स्टेट से तो डायग्राम में भी स्टेट ए जो है उसके नीचे मैक्सिमम इक्वल्स टू जीरो लिखा हुआ है सो स्टेट ए में है आउटपुट जीरो होगा इसी तरह स्टेट बी में मैक्सिमम आउटपुट जो है ज़ीरो है सो स्टेट बी में जब हैं तो आउटपुट जीरो है इसी तरह स्टेट सी में भी आउटपुट जीरो है स्टेट डी में आउटपुट वन है स्टेट ए से बी पे कैसे स्विच कर रहे हैं डिपेंड करता है इनेबल सिग्नल पे जब वन होगा तो स्विच कर जाएंगे इस तरह बी से सी में भी बी से सी पे भी आप स्विच कर रहे हैं इनेबल सिग्नल जब वन होगा सी से डी पे स्विच कर रहे हैं और डी से ए पे स्विच कर रहे हैं जब इनेबल सिग्नल वन होगा अगर इनेबल सिग्नल ज़ीरो है तो आप उसी स्टेट पर रह रहे हैं आप नेक्स्ट स्टेट पर स्विच नहीं कर रहे हैं अभी हमने एक डी फ्लिप फ्लॉप बेस्ड सिक्वेंशल मशीन जो थी मिली मशीन जो थी उसको हमने एनालाइज़ किया नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है बेसिकली एक जे के फ्लॉप बेस्ड स्टेट मशीन है उसको हम एनालाइज़ करते हैं स्टेप्स वही हैं सर्किट डायग्राम है उसको हम देखेंगे उससे आपको अंदाज़ा होगा कि आप आप बता नहीं सकते कि ये क्या है जिससे कि हमने पहले सर्किट में देखा हमें ये अंदाज़ा नहीं हो रहा था जस्ट बाई लुकिंग एट द सर्किट डायग्राम कि ये जो स्टेट मशीन है ये क्या कर रही है वो जब हमने एनालाइज़ किया फिर हमें मालूम हुआ कि वो एक टू बेट काउंटर है इसी तरह ये जो जे के फ्लिप फ्लॉप बेस्ड मशीन है इसको हमें एनालाइज़ करना है स्टार्ट हम उधर से ही करेंगे जो एक्साइटेशन टेबल uh, है जे के फ्लिप फ्लॉप का उसकी मदद से हम करेक्टरिस्टिक इक्वेशंस बनाएंगे जो हमारे पास मौजूद हैं ट्रांजिशन इक्वेशंस uh, बनाएंगे ट्रांजिशन इक्वेशंस से एक ट्रांजिशन टेबल बनेगा ट्रांजिशन टेबल की मदद से हम एक स्टेट टेबल बनाएंगे और स्टेट टेबल से हम जो है स्टेट डायग्राम हमारे पास आ जाएगा सो so, ये इन सारे स्टेप्स को बारी बारी डिस्कस करते हैं डायग्राम में एक जे के फ्लिप फ्लॉप बेस्ड स्टेट मशीन दिखाई गई है जिसके दो इनपुट्स हैं एक्सटर्नल इनपुट्स एक्स वाई इसका एक आउटपुट है जेड ये मिली मशीन है जो आउटपुट है वो डिपेंड करता है प्रेजेंट स्टेट पे और एक्सटर्नल इनपुट पे दो फ्लिप फ्लॉप्स हैं सो चार पॉसिबल स्टेट्स हो सकती हैं फ्लिप फ्लॉप्स के लेफ्ट हैंड साइड पे जो एंड गेट्स और गेट्स और इन्वर्टर दिखाया गया वो बेसिकली एक्साइटेशन इनपुट्स जनरेट कर रहे हैं दोनों फ्लिप फ्लॉप्स के लिए आइए देखते हैं एक्साइटेशन इक्वेशंस फॉर द टू जे के फ्लिप फ्लॉप्स हमारे पास चार इक्वेशंस आ रही हैं जे जीरो इनपुट के लिए के ज़ीरो इनपुट के लिए जे वन इनपुट के लिए के वन इनपुट के लिए सो so, जो चार इक्वेशंस दिखाई गई हैं ये बेसिकली हमने डिराइव किए सर्किट डायग्राम को देखते हुए सो फॉर एग्जांपल जे जीरो का जो इक्वेशन है वो है एक्स वाई बार और ये सर्किट डायग्राम को देखें उधर से हमने डिराइव किए इसी तरह के ज़ीरो की जो इक्वेशन है एक्स वाई बार प्लस क्यू वन Y है ये भी सर्किट डायग्राम से ड्राइव की गई है इसी तरह j1 की इक्वेशन और k1 की इक्वेशन अब हम ड्राइव करते हैं ट्रांजिशन इक्वेशंस फॉर टू जे के फ्लिप फ्लॉप सो q0 आउटपुट है और q1 आउटपुट है सो so हमने डिटरमिन करना है कि q0 जीरो प्लस वन नेक्स्ट स्टेट जो आउटपुट है वो क्या होगा और इसी तरह q1 का जो नेक्स्ट स्टेट आउटपुट है वो क्या होगा करेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है जे के फ्लिप फ्लॉप की वो है क्यू ज़ीरो नेक्स्ट स्टेट आउटपुट के लिए जो ए ज़ीरो क्यू जीरो बार प्लस के जीरो बार क्यू जीरो इसी तरह क्यू वन जो है आउटपुट दूसरे फ्लिप फ्लॉप का उसका नेक्स्ट स्टेट जो आउटपुट है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है जे वन क्यू वन बार प्लस के वन बार क्यू वन इन इक्वेशंस में जो हमने ऊपर एक्साइटेशन इक्वेशंस डिराइव की हैं वो वैल्यूज इनपुट कर दें और इनको सॉल्व कर लें सो हमारे पास दो इक्वेशंस आ रही हैं जो कि ट्रांजिशन इक्वेशंस हैं इन दोनों फ्लिप फ्लॉप्स की नेक्स्ट हमने एक ट्रांजिशन टेबल बनाना है वो हम इन ट्रांजिशन इक्वेशंस की मदद से बनाएंगे जैसा कि हमने पहले देखा इस सर्किट में दो फ्लिप फ्लॉप्स हैं तो चार पॉसिबल स्टेट्स हैं सो प्रेजेंट स्टेट जो है 00 01 10 और 11 अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेट्स क्या होंगी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं बेसिकली हमारे पास दो एक्सटर्नल इनपुट्स हैं तो अगर एक्स वाई जीरो जीरो है तो नेक्स्ट स्टेट कुछ और होगी चार नेक्स्ट स्टेट्स होंगी इसी तरह अगर एक्स वाई जीरो वन है सो तो अगेन चार नेक्स्ट स्टेट्स होंगी एक्स वाई इनपुट्स जो वन जीरो हैं अगेन चार नेक्स्ट स्टेट होंगी और एक्स वाई अगर वन वन है तो अगेन चार नेक्स्ट स्टेट्स होंगी सो so, इन सारी स्टेट्स को इधर हमने दिखाया हुआ है ये हमने कैसे डिराइव किए जिस तरह पहले केस में किया था जो हमारे पास ट्रांजिशन उनमें प्रेजेंट स्टेट वैल्यूज़ और एक्स वाई इनपुट्स वो डाल दें क्यू वन के लिए आपको आउटपुट मिल जाएगा क्यू जीरो के लिए मिल जाएगा तो ये बारी बारी आपने रिपीट करना है एक्स वाई टू जीरो जीरो के लिए ज़ीरो वन के लिए वन ज़ीरो के लिए एंड वन वन के लिए ट्रांजेक्शन टेबल से आप डायरेक्टली स्टेट टेबल डिफाइन कर सकते हैं हमने सिंपली जीरो जीरो की जगह नाम दे दिया ए दूसरी स्टेट को नाम बी दे दिया सी दे दिए और डी दे दिए तीसरी और चौथी स्टेट को आउटपुट्स हमने इंक्लूड कर दिए आउटपुट की जो एक्सप्रेशन है वो है एक्स क्यू ज़ीरो क्यू वन प्लस वाई क्यू ज़ीरो बार क्यू वन बार सो हर इनिशियल स्टेट के लिए एक्स वाई की वैल्यू इसमें डालें और जेड जो है जो आउटपुट है वो कैलकुलेट कर लें तो आपके पास चार कॉलम्स आ रहे हैं आउटपुट के लिए फाइनली हमारे एक स्टेट डायग्राम बन रहे है जो कि हमने स्टेट टेबल से डिराइव किया हुआ है इसमें अगेन चार स्टेट्स दिखाई गई हैं डिफरेंट कंडीशन पे आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे स्विच कर रहे हैं इस पर मजीद डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है बेसिकली स्टेट डायाग्राम आप पहले भी यूज़ कर सकें कर चुके हैं सो so, आप स्टेट टेबल से ये डायरेक्टली डिराइव कर सकते हैं आज के लेक्चर पर हमने सिक्वेंशल जो सर्किट्स हैं उनकी सारी डिस्कशन कम्प्लीट कर ली है नेक्स्ट लेक्चर पे हम एक नए टॉपिक पे डिस्कशन शुरू करेंगे बेसिकली मेमोरीज जो हैं सो डिफ़रेंट टाइप की मेमोरी डिस्कस करेंगे सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलेंगे अपना ख्याल रखिएगा खुदा हाफिज और वालेकुम